तो गाइस स्वागत है आपका एक और वीडियो में फ्रॉम द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ पेरिस। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा पेरिस का विक्ट्री सिंबल आर्क द ट्रायंफ, वर्ल्ड की सबसे फेमस फैशन स्ट्रीट शांस-एलिज़े, ड्रिंक्स इन अ ट्रेडिशनल फ्रेंच कैफे, एंड कैसे हम एक इलेक्ट्रिक कार रेंट करके गए पूरे यूरोप के सबसे फेमस फैशन विलेज जहाँ थी वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव ब्रांड्स जैसे कि गुची, फेंडी या फिर अरमानी -70% ऑफ पे। So let's not waste any more time and start today's vlog. What's up guys? It's day 3 in Paris और आज का vlog बहुत ही special होने वाला है। सबसे पहले हम जा रहे हैं एक बहुत ही famous French cafe. What was the name of the cafe? Something from C. La Carrette. I don't know, but French pronounce करनी इतनी difficult होती है, especially हम Indians के लिए, क्योंकि French लोग R बहुत ही weird way में pronounce करते हैं, जो हमारे लिए impossible है। You have to find R. R is in your throat. It's weird. It's totally weird. How do you say Paris in French? Paris. See, and there is no way I can pronounce that. And Veronica can say all this because Veronica speaks really good French. You. Oh, and it's not that good, but I can speak a little bit. Yeah, because you learned it in high school. I learned it in high school, and I knew it before, but then I forgot a lot because I wasn't using it. But I should definitely go back to learning it because I love how it sounds. बहुत ही interesting language है French मेरे according, but it's very very difficult, especially the pronunciations. I think grammar फिर भी easy है. So अगर Paris Eiffel Tower के बाद किसी चीज़ के बारे में जाना जाता है तो वो है पेरिस के कैफ़ेज। इतने सारे कैफ़े हैं पेरिस में, आपको हर 100 मीटर पे कोई ना कोई कैफ़े दिखेगा, एंड दे लुक सो ब्यूटीफुल। एंड टुडे वी आर गोना ट्राई वन। अभी तक हमने ट्राई नहीं किया है कोई कैफ़े। बिल्कुल पीछे आईफिल टावर, ये पूरी जगह ही बहुत पिक्चरेस्क है। ये जो ब्रिज है आईफिल टावर के सामने, एंड इसके बाद ट्रोसा देरो, और मेरे लेफ्ट में है द सेन रिवर। इसके ऊपर ही पेरिस लोकेटेड है पूरा, एंड ऑफ कोर्स इट्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवर्स इन फ्रांस, क्योंकि ये बिल्कुल आईफिल टावर के सामने से जाती है। एंड ये जो ब्रिज है सेन रिवर के ऊपर, इसको क्रॉस करके वो जगह आती है जो मैं आपको बता रहा था, ट्रोसा देरो, जहाँ से आप सबसे अच्छी फोटोज ले सकते हो आईफिल टावर के साथ। हमें उसी को क्रॉस करके जाना है अपने कैफ़े के लिए। एंड इवन दो रात को इतना तेज़ थंडर स्टॉर्म था यहाँ पर, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, एंड वेदर फोरकास्ट के अकॉर्डिंग पूरा दिन आज बारिश होनी थी, बट लकीली आई थिंक वेदर अब क्लियर है, बारिश नहीं हो रही। वैसे भी हमें शॉपिंग विलेज जाना है तो वो मोस्टली क्लोज है, तो इतनी हमें दिक्कत आएगी नहीं अगर बारिश होगी भी तो। ये है वो पूरा एरिया ट्रोमे दरो के बिल्कुल साथ में, जहाँ पर सबसे फेमस फ्रेंच कैफ़ेज़ हैं, एंड हम उन्हीं में से एक में जा रहे हैं। उसका नाम है ला कैरेट। I think it's just right over there. So this is the cafe, and बिल्कुल packed है। Let's see if हमें बाहर table मिलती है या नहीं। तो table तो मिल गई है यहाँ cafe पे, but इस वक्त ये lunch नहीं serve कर रहे क्योंकि अभी सुबह के 10 बजे हैं, and lunch start होता है 2 बजे से। तो हमने सिर्फ अभी drinks order करी हैं, and lunch हम कहीं और करेंगे। And drinks के बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का एक और बहुत famous monument, Arc de Triomphe। वो मैंने आपको पहले के व्लॉग में नहीं दिखाया था, एंड यहाँ से बहुत ही पास है। वो एरिया भी पेरिस का बहुत ही सुंदर है, एंड वहाँ पे पूरे पेरिस की सबसे फेमस फैशन स्ट्रीट भी है, शांस-एलिज़े है, वो सबसे फेमस स्ट्रीट है पेरिस की। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, एंड उसके बाद हम जाएंगे लाविया फैशन विलेज, वो तो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा ही। यहाँ पर यूरोप में दो सबसे फेमस फैशन विलेजेस हैं, पहला है बीस्टर विलेज लंदन, एंड दूसरा लाविया यहाँ पेरिस में। दोनों फैशन विलेज सेम कंपनी ओन करती हैं। बेसिकली फैशन विलेजेस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जितनी भी लग्जरी ब्रांड्स हैं जैसे लुई विटॉन, गुची, बर्बरी, ये सब आपको काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाती हैं। तो वहीं जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सी ब्रांड्स है, कैसा होता है फैशन विलेज, एंड क्या प्राइसेस है ब्रांड्स वगैरह के। ड्रिंक्स हमारी आ गई है, मैंने ऑर्डर करी है कोरोना बियर, एंड वेरोनिका गॉट एपरोल स्प्रिट्स। बाय द वे वेरोनिका, आर यू एक्साइटेड टू गो टू द फैशन विलेज? Yeah, I don't know what to expect because I have never been to any fashion village. I don't even know how it will look like. It's very, like, I have only been to one in San Diego, in California, but I don't know how it is in Europe, but I know that, you know, you have really luxury brands. Everything is up. It's like an outlet. I heard that this one in London is good. It's owned by the same company, both this village and the one in London. So they are pretty similar. Okay, let's see. So, yeah, I'm very curious. I will see if my favorite brands will be there. Yeah. Cheers. So if you guys don't have Aperol, or maybe you have it, but it's not that popular in India. So Aperol drink, it has this bitter orange flavor. Bitter and slightly sweet orange flavor. It's just Aperol and some, I think, orange juice and Prosecco, I think. This is how you make it. I'm not quite sure. Yeah, Prosecco. Some soda and some Aperol. Looks beautiful. Okay. Let me have a taste. Okay. It's very nice.
एंड फ्रेश. तो दो ड्रिंक और एक डिजर्ट की हमने पे की है 33 यूरोस. तो आप देख सकते हो पेरिस इज नॉट द चीपेस्ट. काफ़ी एक्सपेंसिव है पेरिस, एंड स्पेशली अगर आप सिटी सेंटर में किसी कैफे में खाओगे. हाउ वाज योर 14 यूरो एपेरॉल स्प्रिट्स? It was good, but it's really not worth it. It's not worth it. In Poland, in the cost of this Aperol drink, you can have this big bottle of Aperol. Yeah. पोलैंड इज़ वेरी अफोर्डेबल. तभी मैंने आपको रिकमेंड किया था कि अगर आप यूरोप की ट्रिप प्लान करो तो पोलैंड ज़रूर इंक्लूड करना, क्योंकि इट्स वेरी वेरी अफोर्डेबल और साथ में बहुत ही ब्यूटीफुल है. पेरिस इज़ ब्यूटीफुल बट यहाँ पे फिर प्राइसेस बहुत हाई हैं. बजट पे भी ट्रैवल करना पॉसिबल है, ऐसी बात नहीं है कि आप बजट पे यहाँ पर पेरिस नहीं आ सकते. बस आपको फिर जो खाना वगैरह है वो आपको बेकरीज, ग्रोसरी स्टोर, इन सब जगह से बाय करना पड़ेगा, एंड वहाँ का भी खाना काफ़ी टेस्टी होता है. ये जो स्ट्रीट है ये डायरेक्टली जाती है आर्क दे ट्रायम्फ. इस एरिया में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो मेरे बिल्कुल पीछे है आर्क दे ट्रायम्फ. इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल. और ये जो पूरा एरिया है ये बहुत ही बिजी रहता है, क्योंकि यहाँ पर आर्क दे ट्रायम्फ के बिल्कुल साथ में है यहाँ की सबसे लग्जरी फैशन स्ट्रीट पेरिस की शांस-एलिज़े. एंड बाय द वे आर्क दे ट्रायम्फ इन्होंने सोल्जर्स को ऑनर करने के लिए बनाया था ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन. एंड ये एरिया भी सबसे टूरिस्टिक एरिया में से एक है. तो या तो आप अपना होटल आईफिल टावर के पास बुक करा सकते हो, या फिर यहाँ भी ये एरिया भी बहुत अच्छा है होटल बुक कराने के लिए. इस स्ट्रीट पर आते ही लग्जरी ब्रांड स्टार्ट हो जाती है. एज यू कैन सी कार्टियर, सामने है मॉम ब्लॉन्ग. बहुत ही लाइवली एंड मॉडर्न वाइब है यहाँ की. सो वेरोनिका, हाउ डू यू लाइक दिस स्ट्रीट? आई लाइक इट, इट्स आई लाइक द वाइब. या या ओह मिकी माउस. थैंक यू. जैसा मैं आपको बता रहा था, बहुत सारे कैफेज, बिस्ट्रोस एंड शॉपिंग, ये सारी चीज़ें हैं. मैंने अपनी लाइफ में इससे बड़ा लुई विटॉन का शोरूम नहीं देखा. ये पूरा लुई विटॉन है. वाओ, हैव यू सीन बिगर लुई विटॉन देन दिस? No. इस स्ट्रीट पे आपको सबसे बड़े बड़े स्टोर मिलेंगे हर ब्रांड के. लुक एट दिस एप्पल स्टोर, इससे बड़ा एप्पल स्टोर भी नहीं देखा मैंने अपनी लाइफ में कभी. बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई पैलेस हो. ये तो एब्सोल्यूट मस्ट विजिट है. ये जगह पेरिस में हर बंदा आता ही आता है जो भी पेरिस विजिट करता है. तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है, तो एक बार हम पहले जा रहे हैं होटल, क्योंकि मुझे कैमरा चेंज करना पड़ेगा. ये वाला कैमरा वाटरप्रूफ नहीं है, तो मैं ये लेके नहीं जा सकता फैशन विलेज तक. मैं लेके जाऊँगा अपना GoPro, तो इसीलिए हमने ऊबर मंगाई है. आई थिंक अराउंड 5 मिनट में आएगी ऊबर. मेरी एक रीसेंट वीडियो पे काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि यहाँ पर यूरोप में ऊबर भी मर्सिडीज़ होती हैं. मोस्टली सारी ऊबर लग्जरी कार ही होती हैं, जैसे मर्सिडीज़. यहाँ पर इवन टेस्ला भी है ऊबर. तो अराउंड 1 घंटे बाद फाइनली बारिश रुक गई है. एंड वैसे तो हमें शॉपिंग विलेज जाना था ट्रेन लेके, बट मैंने अभी देखा कि आप यहाँ पेरिस में पर आवर के हिसाब से इलेक्ट्रिक कार रेंट कर सकते हो. तो मैंने उन्हीं की ऐप डाउनलोड करी है. इट्स जस्ट लाइक रेंटिंग एन इलेक्ट्रिक स्कूटर. जहाँ भी ये इलेक्ट्रिक कार्स खड़ी होती हैं, आप उनका बारकोड स्कैन करके रेंट कर सकते हो. दी ओनली थिंग इज़ आपके पास यूरोपियन ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो मेरे पास फॉर्चुनेटली है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. मैंने मैप से देखा सिर्फ 2 मिनट दूर गाड़ी खड़ी है, तो गाड़ी रेंट करके चलते हैं शॉपिंग विलेज. दिस इज़ द कार विच आई एम रेंटिंग. But it's charging right now, isn't it? Yeah. We can take it off. You have to. तो मैंने ये ऐप डाउनलोड करी है. आप या तो आप पर मिनट, आवर या फिर डेली रेंट के हिसाब से आप स्टार्ट कर सकते हो इसे. तो मैं 2 घंटे के लिए मुझे चाहिए सिर्फ गाड़ी, तो मैंने 2 घंटे के लिए रेंट कर ली. जस्ट क्लिक स्टार्ट ट्रिप. So do you pay for any fuel? No. That's awesome. Yeah, it's electric. It's 100% electric. So for 2 hours, how much you pay? 13 euros. So we paid it's cheaper. We paid more for Uber. Yeah, one ride Uber. Yeah. गाड़ी खोल ली है. सो ये है वो गाड़ी. एज यू कैन सी, आई थिंक मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे छोटी गाड़ी नहीं देखी. आई थिंक वी कैन डू अनदर शॉपिंग बिकॉज़ इट वोंट फिट. बट इट्स स्टिल बेटर देन ट्रेन. ओह माय गॉड, इट्स 100 टाइम्स बेटर. एंड ये रही चाबी. बहुत इजी था रेंट करना. इट्स जस्ट लाइक रेंटिंग एन इलेक्ट्रिक स्कूटर. सिर्फ बारकोड मैंने स्कैन करा. मैंने अपना लाइसेंस पहले ही अपलोड कर दिया था. एंड अब हम इसको लेके कहीं भी जा सकते हैं. 2 घंटे के मैंने पे करे 14 यूरो. लेट्स गो टू द शॉपिंग विलेज. इट विल बी माय फर्स्ट टाइम ड्राइविंग दिस स्मॉल कार,
एंड ये फुली इलेक्ट्रिक है, 100% इलेक्ट्रिक कार है. एंड पेरिस में ड्राइविंग करना आई विल से इट्स अ बिट मोर चैलेंजिंग. बाकी यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ही आसान होता है ड्राइविंग करना, स्पेशली पोलैंड में, क्योंकि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे में ड्राइविंग होती है पोलैंड, जर्मनी, इन कंट्रीज में. बट फ्रांस में इतना आसान नहीं है. फ्रांस, इटली, इन कंट्रीज़ में फिर भी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी पड़ती है. तो अगर आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है तो ही मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ गाड़ी चलाना. एंड आपके पास यूरोपियन ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट होना चाहिए अगर आपको ऐसे गाड़ी रेंट करनी है, वरना आपको एयरपोर्ट से करनी पड़ेगी जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स होती हैं उनसे. उनके लिए फिर पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, डिपॉजिट पे करना पड़ता है. इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज मुझे ये लगी कि मुझे कोई भी डिपॉजिट नहीं पे करना पड़ा, फ्यूल के चार्जेस नहीं पे करने. 100% इलेक्ट्रिक कार है तो आप इजीली कहीं भी लेके, मैं इसको कहीं भी पार्क कर सकता हूँ. ये भी नहीं है कि कहीं एक स्पेसिफिक प्लेस पे रिटर्न करनी है. तो बहुत सारी एडवांटेज लगी मुझे ऐसे गाड़ी रेंट करने की. एंड उसके अलावा बहुत ही छोटी गाड़ी है तो कहीं भी ईजिली फिट हो जाएगी. स्पेशली पेरिस जैसी जगह में पार्किंग बहुत मुश्किल से मिलती है, बहुत ही क्राउडेड सिटी है. इन कंक्लूजन ये सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा मुझे अगर आपको थोड़ा दूर जाना है पेरिस से, आधे घंटा कहीं पे. ये है पूरा शॉपिंग विलेज. आई लिटरली थिंक इट्स अ पैराडाइज फॉर शॉपर्स. दोनों साइड सारी लग्जरी ब्रांड्स हैं, गेस, लुई विटॉन, कैल्विन क्लाइन, बेलमाउ, बहुत सारी तो ऐसी ब्रांड्स हैं जो मुझे पता ही नहीं है. देयर आर सो मेनी ब्रांड्स व्हिच आई डोंट इवन नो ऑफ. आई नो मोस्ट ऑफ देम. या एंड यू आर राइट, इट डज लुक लाइक डिज्नीलैंड फॉर एडल्ट्स. बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एडल्ट्स के लिए डिज्नीलैंड है. ये विलेज शॉपिंग के साथ साथ इतना फोटोजेनिक है कि आप यहाँ पर इवन बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर्स ले सकते हो. और ऐसी कोई ब्रांड नहीं है जो आपको यहाँ नहीं मिलेगी. तो पूरा विलेज एक्सप्लोर करते हैं, आपको भी दिखाता हूँ, और अगर कोई अच्छा डिस्काउंट मिलता है तो थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हैं. ये शॉपिंग विलेज का कॉन्सेप्ट यहाँ यूरोप से ही स्टार्ट हुआ था, और अब तो इवन अमेरिका एंड कैनेडा में भी काफ़ी सारे शॉपिंग विलेजेस हैं. सो द वियर्डेस्ट थिंग हैपन, हमें गुची जाना था क्योंकि मुझे बेल्ट या फिर वॉलेट लेना था, बट उन्होंने हमें स्टोर में घुसने भी नहीं दिया क्योंकि दे सेड अगर आपके पास SMS नहीं है, इन्विटेशन नहीं है गुची से, तो आप स्टोर में नहीं जा सकते. दैट मीन्स डजेंट मैटर आपको कितना भी सामान लेना हो, अगर आपके पास प्रॉपर इन्विटेशन नहीं आया हुआ गुची से तो आप अंदर भी नहीं जा सकते. सबसे बड़ी बड़ी ब्रांड्स है जो ये लुई विटॉन, गुची, एरमे, इन ब्रांड्स में अगर आपको चीज़ें लेनी भी हों तो उसके लिए भी यहाँ पर एक प्रॉपर इन्विटेशन चाहिए. अगर आपके पास एक मैसेज आया गुची से तो ही आप अंदर जा सकते हो, वरना आप अंदर जाके देख भी नहीं सकते. आई डोंट नो वेरोनिका, आई हैवन्ट सीन एनीथिंग लाइक दिस इन माय लाइफ. इवन इफ आई वांट टू बाय आई कैन्ट. क्रेजी राइट? आई विल नेवर बाय गुची अगेन. यू विल. आई विल. मेबी आई वांट टू. आई नो यू. आई वांट टू बी इन गुची गैंग. जगह बहुत अच्छी है बट हमें एज सच कुछ खास मिला नहीं, कोई ऑफर वगैरह. एंड अब हम वापस जा रहे हैं पेरिस की तरफ. एंड इस विलेज के बिल्कुल साथ में डिज्नीलैंड है, तो अगर आप डिज्नीलैंड की ट्रिप प्लान करो तो आप दोनों चीज़ें एक साथ एक्सप्लोर कर सकते हो. डिज्नीलैंड इस वक्त अनफॉर्चुनेटली बंद है, 17 जून से खुलेगा, तो हम डिज्नीलैंड तो आपको नहीं दिखा पाएंगे. बट आज मैं कोशिश करूंगा आपको रात को आईफिल टावर दिखाऊं. इवन तो आप पेरिस में 9 बजे के बाद होटल से बाहर नहीं निकल सकते, बट मैंने रिसेप्शन पे बात करी थी एंड वो कह रहे थे कि ऐसा सच कुछ होगा नहीं, मोस्टली लोग घूमते ही हैं बाहर. तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको रात को आईफिल टावर दिखाऊं, बिकॉज इट लुक्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल. एंड अगर आप ये इलेक्ट्रिक कार रिटर्न करते हुए इसे वापस चार्जिंग स्टेशन पे लगाओ तो आपको 10 यूरो वापस मिल जाते हैं. तो मैं भी यही कर रहा हूँ, इसको चार्जिंग पे मैंने लगा दिया है. एंड बस आप इजीली इसे रिटर्न कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अगर आपको बजट पे खाना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा हमेशा ओशो से शॉपिंग करें. एंड बाय द वे देयर इज आल्सो ओशो इन पोलैंड एंड इट्स आल्सो वन ऑफ द चीपेस्ट स्टोर्स. या एंड इट्स फ्रेंच. या सो अगर आपको पेरिस में सबसे चीप ग्रोसरीज कहीं मिलेंगी तो वो मिलेंगी ओशो में. ये सबसे चीपेस्ट स्टोर है. पेरिस वैसे इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है, बट एक चीज है जो यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा सस्ती मिलेगी, वो है वाइन एंड शैंपेन. ऑलमोस्ट हर वाइन का प्राइस है 3 से 5 यूरो के बीच में, 270 से 500 रुपए. इवन शैम्पेन आपको 1200-1300 रुपये में मिल जाएगी. एंड रियली हाई क्वालिटी शैम्पेन, क्योंकि फ्रांस में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वाइन एंड शैम्पेन पीते हैं, तो एटलीस्ट एक चीज़ चीप है यहाँ पर.
As you can see, Coke का price और wine का price बिल्कुल same है. एक Coke की can है 3 euro की and पूरी wine की bottle है 3 euro में. Shopping village से आने के बाद हम चले गए थे hotel and अब मैं आपको दिखा के लाता हूँ Eiffel Tower रात को कैसे लगता है. Lighting से आपको लग रहा होगा कि अभी 6 या 7 बजे हैं शाम के, but मैं आपको time दिखाता हूँ. As you can see, इस वक्त बज रहे हैं रात के 10. मैंने अपनी पोलैंड वाली वीडियो में भी बताया था कि समर्स में यूरोप में बहुत ज़्यादा लेट सनसेट होता है. किन्हीं किन्हीं कंट्रीज़ में तो इवन 11-12 बजे रात के सनसेट होता है, जैसे नॉर्वे. नॉर्वे में आप मिडनाइट सन देख सकते हो, रात के 12 बजे सनसेट होता है ड्यूरिंग द समर्स. सालू कॉमो सावा सावा बियन रानका. हाउ इज आईफिल टावर इन फ्रेंच? टूर द फेर. हाउ इज इट? टूर द फेर. टूर द फेर. टूर द फेर इज राइट इन फ्रंट ऑफ अस. You still got it wrong. It's Tour de Fer. Tour de Fer. Tour de Fer. Yeah. थोड़ा तो डर लग रहा है बाहर घूमते हुए. अगर बाई चांस पुलिस ने रोक लिया तो एक जने का फाइन 150 यूरो है, तो 300 यूरो का फाइन हो जाएगा, जो होते हैं 27,000 रुपये. एंड यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर रोक लिया तो आपको फाइन देना ही पड़ेगा चाहे फिर कुछ भी हो. एज यू कैन सी इट लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग. लुक एट हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स. बट Veronica, it's still not as beautiful as your face. It's the worst pickup line I have ever heard. Hey, it was nice. And मैंने ये बिल्कुल expect नहीं किया था. 9 बजे के बाद पेरिस में बाहर जाना allowed नहीं है, मैंने आपको इतनी बार बताया, but फिर भी ये पूरी street full है, इतने सारे लोग बाहर घूम रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है. Look at this, Veronica. This is night curfew. In India it's different because you get beaten with a stick if you go out. Delhi police beats you in the worst way, okay? It's the most brutal. Yeah. So as such koi problem nahi hai, aap bahar ghoom sakte ho. Ye sabse romantic bridge hai world ka Isle se, right in front of the Eiffel Tower. So guys, ab hum ja rahe hain wapas hotel ki taraf. So thank you so much for watching this video. Next vlog mein main aapko aur bahut sari interesting cheeze dikhaunga yahan Paris mein. And don't forget to give this video a thumbs up and subscribe to the channel, and I'll see you guys in the next video.